तो आज मैं बात करूंगा एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी मूवी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ये कंफर्म हो चुका है कि एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी को लिखेंगे जेफ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये बंदा स्क्रिप्ट लिखने वाला है एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी मूवी की। और इसी के साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि इन्होंने ही लिखा है एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटमेनिया मूवी को। तो एंटमैन 3 भी इन्होंने लिखा है, एवेंजर्स की किंग डायनेस्टी भी यही लिखने वाले हैं। तो हम होप कर सकते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी यही लिखे। और जैसे कि आप लोगों को बताइए कि एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी के डायरेक्टर कौन है, डेस्टिन डेनियल क्रेटन, जिन्होंने शैंग-ची मूवी को डायरेक्ट किया था। इसी के साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि जो रिसेंटली इवेंट हुआ था D23 एक्सपो, उसमें केन फेगी सर ने ये कन्फर्म कर दिया है कि एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटमेनिया मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होगी एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी मूवी को। तो ये कंफर्म हो गया है अभी। और यही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटमेनिया मूवी लोकी की सीजन 2 को भी कनेक्ट होगी। और ये दोनों, यानी कि एंटमैन 3 मूवी और लोकी सीजन 2, ये दोनों कनेक्ट होगी एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी मूवी को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से सब लोगों का ओपिनियन बदल जाएगा। यानी कि जो फेज 4 की शुरुआत हुई थी, तो बहुत से लोग कह रहे थे मज़ा नहीं आ रहा है, वो वाला फील नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर से पूरा गेम टर्न हो जाएगा, सब लोगों को मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि हर एक मूवी चीज़, हर एक चीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगी, ऐसा मुझे मतलब फीलिंग आ रही है। बाकी देखो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे आप लोगों को याद ही होगा ना कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि फेज 4 आप लोग ऐसा समझो कि एक न्यू स्टार्ट है, तो वो एक न्यू स्टार्ट ही था। देखो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के टाइम बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी, जो कि इन्फिनिटी सागा का एंड था। तो एंड में मेरे ख्याल से हाइप प्रॉपर तरीके से क्रिएट होगी। स्टार्टिंग में वही कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, ये कह के चले जाते। तो जैसे ही एंड आएगा, तब ज़्यादा एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होगी, लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, तब जाके मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हाइप बनने वाली है। देखते क्या होता है, क्योंकि एक ही साल में दोनों एवेंजर्स मूवी आ रही है। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को टक्कर दे पाती है या नहीं दे पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर्सनली बात करूँ मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कमाई के मामले में नई टक्कर दे पाएगी, ऐसा मुझे अभी लग रहा है, जिस तरीके का मतलब रिएक्शन है लोगों की तरफ से। अभी नेक्स्ट ईयर कुछ अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ, फिर एक और एक ईयर बचेगा 2024, जब हमें ट्रेलर भी देखने मिल जाएगा एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी मूवी का, तो तभी तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि क्या हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।